नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूँ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के नैनीताल के कालाडूंगी में भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक में बोले नेता, 2024 के लिए कार्यकर्ता रहे तैयार। भाजपा कालाडूंगी मंडल कार्य समिति की बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जोश भरते हुए कहा कि भाजपा एक बार फिर 2024 में इतिहास रचेगी। हर कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में जाकर पार्टी की उपलब्धियों को गिनाने का काम शुरू कर दें। बैठक के मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद से देश के हालातों में सुधार आया है। हमें नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिला है, जिनके कारण आज हम विश्वगुरु बनने के करीब हैं। आज विदेशों में हमारे देश का डंका बज रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कालाडूंगी विधायक वंशीधर भगत ने कहा कि 2024 हम सबके लिए और देश की जनता के लिए बड़ा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। कालाडूंगी संवाददाता जायद हबीबी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी एक लगातार कार्यक्रम देने वाली पार्टी, देश से लेकर बूथ तक नए नए टाइम पर कार्यक्रम होते रहते हैं। ये रूटीन का काम है। मंडल की बैठक हुई, पहले जिले की, पहले प्रदेश की हुई, तो जिले की हुई, आज मंडल की होगी, उसके बाद बूथों की होगी, सबके केंद्र पर होगी, ताकि कार्यकर्ता ऊर्जावान बना रहे और जो नए कार्यक्रम आ रहे हैं उन कार्यक्रमों की उनको जानकारी दी जाती है। आज सुरेश भट्ट जी यहाँ पर प्रवक्ता के रूप में आए, उन्होंने सबको संबोधित भी किया और अपनी बात भी बताई। मैंने सब मिला के ये तय बताया है लोगों को कि 2024 हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। 2024 की जीत ऐसी होनी चाहिए जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री उसका नाम है, पूरे क्षेत्र में एक तरफा वोट पड़े, ताकि ये लगे कि लोग नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को और आगे बढ़ना चाहिए। जनता पार्टी कालाडूंगी मंडल की कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। भारतीय जनता पार्टी की इस कार्य समिति में प्रस्ताव करने लाने के प्रस्ताव पारित किया, जिसमें केंद्र सरकार के जो 8 साल मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हुए हैं और प्रदेश में माननीय गांधी जी के नेतृत्व में 9 दिन सरकार ने पूरे किए, उसके लिए दिल्ली सरकार को बधाई और अभिनंदन किया। जिस प्रकार से उत्तराखंड में द्वितीय बहुमत से तीसरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, बाई इलेक्शन में धामी जी को 94% वोट चंपावत की जनता ने दिया, उसके लिए उत्तराखंड की जनता और चंपावत की जनता का भी आभार प्रकट किया है। जिन आशा और अपेक्षाओं के साथ उत्तराखंड की जनता ने फिर से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वितीय बहुमत से बनाई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड की जनता की उन आशा और अपेक्षाओं को पूरा करेगी और भारतीय जनता पार्टी संगठन सरकार के जन कल्याणकारी जो भी कार्यक्रम है, जो जन कल्याणकारी नीति है, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम है।